जो अभी मेरा इंट्रो देखा वो मैंने एक जुगाड़ से बनाया है। बेसिकली वो जुगाड़ एक प्रोफेशनल इंट्रो जो वेबसाइट होती है ये वाली, इसे से लिया है मैंने। इसका कैसे मैंने जुगाड़ करके अपने वीडियो में डाला है देख लीजिए आप भी कर सकते हो बहुत आसान स्टेप से। देखिए आप, सबसे पहले आप अपने इस वेबसाइट पर जाइए, यहाँ क्रिएट नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे वैसे आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा, थोड़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद जहाँ पे ये लिखा है यूआर लोगो हेयर, इस पर क्लिक करें आप। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एडिट इमेज पे आइए। एडिट इमेज पे आने के बाद ये जो अपलोड है इस पर क्लिक कीजिए। कोई सी भी एक इमेज चुनिए, कोई सी भी एक इमेज चुनने के बाद आप उसे कैसे भी साइज में ला सकते हैं। जैसे कि आपको इसका साइज घटाना है बढ़ाना है, जैसे बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, घटाना है तो कितना घटा सकते हो। मैं इसे बराबर पे रख लेता हूँ। ये जैसे कि लिखा है यहाँ पे फिट, फिट पे क्लिक करेंगे जो फिट हो जाएगा, फिल पे क्लिक करेंगे फिल हो जाएगा। मैं इसे एक बराबर साइज पे रख लेता हूँ। उसके बाद डन कर दीजिए। डन करने के बाद टेक्स्ट एड टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो आप, जो भी आपको इसके नीचे जो टेक्स्ट दिख रहा है उस पर जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपना CSM लिख देता हूँ मैं इस पर। CSM लिखने के बाद जो ऊपर सबसे ऊपर एक जो दिख रहा है वीडियो चालू करने का लोगो रहता है उस पर आप क्लिक कीजिए। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसेस होगा। जो फ्री प्रीव्यू वाला है उस पर आप क्लिक कीजिए। फ्री प्रीव्यू वाले पे थोड़ा प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ये लोडिंग होगा कुछ देर तक वेट कीजिए आप। जैसे 100% प्रोसेस होने के बाद थोड़ा सा और लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद जो अपना वीडियो है वो तैयार हो जाएगा। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे वीडियो चालू हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे कट का निशान है इस पर क्लिक कीजिए। फिर इस वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर इस वीडियो पे क्लिक कीजिए आप। क्लिक करेंगे तो ये वीडियो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद जो निशान आ रहा है जो वीडियो चालू रहने का, उसके लिए आपको पीछे जाइए, फिर पीछे जाइए। वीडियो आपका कम्प्लीट हो जाएगा। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए ऐसे कैसे आप पीछे करके दो चार बार करिए और इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रखिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू रख के नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर दीजिए। आप अपनी गैलरी खोलिए। गैलरी खोलने के बाद जो भी आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे चुन लीजिए जो आपने वो बनाई थी वहाँ से। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने बनाई थी उस पर क्लिक करके आप उसे कट कर लीजिए। जितना आपको रखना है आप उतना रख लीजिए। गैलरी में आके आपकी गैलरी में जो ऑप्शन रहता है उसके द्वारा अब ये काम आप काइंड मास्टर पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से करते चलिए तो आपको वहाँ पे सिंपल होगा करने में। इसको उतना कट कर लीजिए जितना आपको लग रहा है, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हटा दीजिए। जैसे कि मैंने ये कर लिया अपना यहाँ तक ये आइकन दिख रहा है, ये बन गई मेरी कंप्लीट वीडियो। थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप देख लीजिए। ये देखिए बराबर मेरी वीडियो कट हो चुकी है। अब बराबर मेरी वीडियो कट हो चुकी है। अभी इसे मैं राइट कर दूंगा। राइट करके इसको सेव कर देता हूं मैं। थोड़ा टाइम लेगा सेव होने में। फिर राइट करके सेव कर दिया मैंने। अब इसको मैं सेव कर देता हूं। सेव कर दूंगा मैं। अभी थोड़ा सा प्रोसेस होगा सेविंग के लिए, इसलिए मैं इसको यहीं रोक देता हूं। उसके बाद आप अपना काइंड मास्टर खोलिए। काइंड मास्टर खोलने के बाद क्रिएट न्यू पे जाइए, जो आपने वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए। क्रिएट नाउ पे जो भी आपको ये सब तो जैसा है वैसा रहने दीजिए। क्रिएट न्यू नाउ पे जाइए। मीडिया से फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो लाइब्रेरी है उस पर आइए। वहाँ से अपनी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो जो भी है वो आप उठा लीजिए, जो आपने गैलरी में कट की थी उसको खींचिए और बराबर फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे बराबर फिक्स करने के बाद देख लीजिए जहाँ से वो आइकन आ रहा है वहाँ से उस वीडियो को काट दीजिए। ये मेरा आइकन लगभग यहाँ से आ रहा है तो मैं इसे काट देता हूँ। कट कर दिया मैंने आइकन को। इसको कट करने के बाद आप चलाइए, देखिए बराबर आपकी वीडियो बन चुकी है। जो आखिरी में जो फ़ोटो बचा है जो 8 सेकंड का मैंने लगाया था ये वाला भी काट देता हूँ मैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी थोड़ी लंबी हो गई थी तो इसे भी काट देता हूँ। जो ऊपर वाला फ़ोटो है उसे भी आप काट दीजिए जो मीडिया से उठाया था। उसको काटने के बाद आप चाहो तो आपका जो ऑडियो लगा हुआ है वो भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप ऑडियो के आने से चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऑडियो पे आया मैंने, यहाँ से ये ऑडियो उठाया
ये जो मेरा नो कॉपीराइट वाला म्यूजिक है उसको मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये सब प्रोसेस आपको जैसा भी म्यूजिक रखना है काम करना है, जो वाला मैं आवाज़ कम कर देता हूँ जो वीडियो में थी वो वाली, उसके बाद इसको फुल कर देता हूँ। तो ये देखिए ये मेरी वीडियो तैयार हो गई, आप चाहो तो वो वाली ऑडियो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सब कंप्लीट होने के बाद आप इस वीडियो को सेव कर दीजिए। सेव करने के लिए आपको फुल क्वालिटी रखनी है 1440p और इधर 30 और इधर फुल हाई कर दीजिए। पूरा हाई करने के बाद इसे सेव कर दीजिए। सेव होने के बाद अपनी वीडियो को चेकआउट करने के लिए आप इसके कट कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी गैलरी खोलिए, गैलरी में आपको ये वीडियो मिल जाएगी एल्बम में एक्सपर्ट पर, उसे क्लिक कीजिए, आल में भी मिल जाएगी जो आपने वीडियो बनाई है वो, उस वीडियो को आप चला के देख लीजिए। ये जो दिख रहा है जो मीडिया वाला अपना फ़ोटो है वो सिर्फ यहीं दिख रहा है, क्योंकि वो मेरा मोबाइल की गलती की वजह से दिख रहा है, वरना ये वीडियो आपकी वहीं से शुरू होगी। आप देख सकते हो आपकी वीडियो तैयार है। वीडियो तैयार होने के बाद आप अपना इंट्रो कहीं भी लगा सकते हो, इस पर ना कॉपीराइट आएगा ना कुछ आएगा, बिना कॉपीराइट के चलेगा, क्योंकि मैं भी अपना इंट्रो यूज़ करता हूँ, मेरे पे अभी तक कोई भी कॉपीराइट नहीं आया है। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।